दिल्ली भारत मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनिए। जगाती है ये उसकी मिसाल थे। मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाए जाने लगा है। इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। भारत के वीर साहबजादों को पूरी दुनिया और ज्यादा जानेगी, उनके महान कर्तृत्व से सीखेगी। 300 साल पहले चमकौर और सरहिंद की लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमीट इतिहास है। ये इतिहास बेमिसाल है। उस इतिहास को हम भुला नहीं सकते, उसे आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। साथियों, जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया, दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया। आज जब हम अपनी विरासत पर गर्व कर रहे हैं, तब दुनिया का नजरिया भी बदला है। मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहा है। आज के भारत को अपने लोगों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपनी प्रेरणाओं पर पूरा पूरा भरोसा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि, उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में
भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। और इसलिए ही मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। आने वाले 25 साल भारत के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा, अपने राष्ट्रीय चरित्र को और सशक्त करना होगा। हमें एक पल भी गंवाना नहीं है, हमें एक पल भी ठहरना नहीं है। गुरुओं ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है। हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है, हमें देश को बेहतर बनाने के लिए जीना है, हमें इस महान राष्ट्र की संतान के रूप में देश को विकसित बनाने के लिए जीना है, जूटना है, जूझना है और विजयी होकर के निकलना है। मेरे परिवारजनों, आज भारत उस कालखंड से गुजर रहा है जो युगों युगों में एक बार आता है। आजादी के इस अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो देश सबसे ज्यादा युवा देश है। इतना युवा तो भारत अपनी आजादी की लड़ाई के समय भी नहीं था, जब उस युवा शक्ति ने देश को आजादी दिलाई तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस ऊंचाई पर ले जा सकती है वो कल्पना से भी परे है। भारत वो देश है जहां नचिकेता जैसा बालक ज्ञान की खोज के लिए धरती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश है जहां इतनी कम आयु का अभिमन्यु कठोर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश है जहां बालक ध्रुव ऐसी कठोर तपस्या करता है।